हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स सारे देख लिए हैं, तो कम से कम हमने उसमें 3 या 4 लेक्चर्स करे हैं बेसिक्स के। तो बेसिक्स पूरे होने के बाद अब हम मेन टॉपिक्स पर आ जाते हैं जो हमारे सिलेबस के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉपिक है हमारा, वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, आपके जो मॉड्यूलेशन होता है वो एनालॉग में भी होता है, डिजिटल में भी होता है। एनालॉग में भी पार्ट्स आ जाते हैं, सब पार्ट्स आ जाते हैं, पर एनालॉग में जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक आपका फेज मॉड्यूलेशन। तो ये 3 तरह के मॉड्यूलेशन आपके एनालॉग में नॉर्मली यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपका है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन का मतलब मैंने आप सबको पहले भी बताया है, मॉड्यूलेशन मतलब होता है चेंज, किसी चीज़ में चेंज आना। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? चेंज मतलब बदलाव। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो मतलब होगा वो ये होगा कि चेंज आ तो रहा है पर किस में आ रहा है? एम्पलीट्यूड में। तो किसी भी सिग्नल के 3 पैरामीटर होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज। तो अगर उसके एम्पलीट्यूड में बदलाव आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर उसके फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। उसके फेज में बदलाव आएगा तो वो फेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो बदलाव आएगा वो कभी भी मैसेज में नहीं आएगा, बदलाव हमेशा किस में आएगा? कैरियर में। क्योंकि मैसेज में अगर बदलाव आ गया तो आपका एक तरह से मैसेज ही बदल जाएगा, हमें मैसेज को नहीं बदलना है। ठीक है, तो जो उसे लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? कैरियर ही लेके जाएगा सिग्नल को, ताकि वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल बन जाए जिससे कि आपका जो सिग्नल होगा काफ़ी लंबी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, ट्रैवल कर पाएगा उतनी दूर तक। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि सबसे पहले ये आपका जो ऊपर वाला जो सिग्नल देख रहे हैं, यहाँ पे 3 सिग्नल है हमारे पास, 1, 2, 3। तो सबसे पहला जो सिग्नल है वो मेरा मैसेज सिग्नल है, जो दूसरे नंबर का सिग्नल है वो मेरा कैरियर सिग्नल है, और जो सबसे लास्ट वाला सिग्नल है नीचे वाला, ये सिग्नल मेरा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो कि मैसेज और कैरियर के मिलने पे बनता है। ठीक है, जब वो दोनों मिल जाते हैं तब आपका बनता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो सबसे ऊपर जो आपको मैसेज सिग्नल दिख रहा है, फिर कैरियर सिग्नल दिख रहा है, फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैसेज सिग्नल जो मैंने बनाया और जो कैरियर सिग्नल बनाया है, इन दोनों के बीच का जो फ़र्क ये है कि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है कम और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा। इसलिए ध्यान से देखेंगे, मैंने मैसेज सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है और कैरियर सिग्नल का टाइम पीरियड देखेंगे तो बहुत कम है, मतलब बहुत पास में। तो जो सिग्नल बहुत पास पास होते हैं, इसका मतलब ये होता है अगर उसे हम ड्रॉ करते हैं, वेवफॉर्म बनाते हैं और बहुत क्लोजली बना रखा है, तो एक टाइम पीरियड में उसके कई सारे, मतलब उसके जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? काफ़ी ज़्यादा। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए मैंने इसे थोड़ा दूर बना रखा है। ये आगे भी बनेगा पर मैंने ज़्यादा बनाया नहीं है, इतने में ही काम बन जाएगा हमारे, जो हमें समझाना है समझना है वो इसमें ही काम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो इस सिग्नल का जो मैसेज सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका मैंने नाम दे दिया AM। इसकी जो हाइट गई है ऊपर तक वो कितनी गई है? AM। एम मतलब यहाँ पे है मैसेज, जो सफिक्स मैंने यूज़ करा है एम, वो मेरा मैसेज है। ठीक है, और जो ए है वो मेरा एम्पलीट्यूड है। तो ये किसका एम्पलीट्यूड है? मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। उसके बाद मैं कैरियर में आता हूँ, तो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है उसको मैंने डिनोट कर दिया किससे? AC से, कैरियर का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये अगर AM है तो ये वाला नीचे वाला अगर मैं देखूँ तो इसको भी डिनोट कर सकता हूँ मैं, वो बन जाएगा कितना मेरा? -AM। नीचे वाला -AM, ऊपर वाला +AM। सेम AC जो कैरियर मेरा है, कैरियर का जो ऊपर वाला पीक होगा उसे AC, जो नीचे वाला पीक होगा वो -AC। ठीक है, अब इसे हम समझ लेते हैं ये नीचे वाला सिग्नल बना कैसे। ध्यान से देखते हैं, ये मेरा कैरियर सिग्नल है, ये मेरा मैसेज सिग्नल है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट अगर मेरा बोले हैं 0, स्टार्टिंग तो ओरिजिन 0 से ही होता है, तो 0 से लेके पी के बीच में मेरा मैसेज सिग्नल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी 0 होगा, पी मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे पी बनाया, तो 0 से लेके पी तक मेरा मैसेज सिग्नल है ही नहीं। तो जब मैसेज सिग्नल है ही नहीं तो कैरियर अपने आप में चेंज करेगा क्यों? क्योंकि कैरियर मैसेज को देख के अपने आप में बदलाव करेगा। ठीक है, मैसेज के अकॉर्डिंग। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें कैरियर का एम्पलीट्यूड बदलेगा किसको देख के? मैसेज को देख के। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि कैरियर का एम्पलीट्यूड बदलेगा किसको देख के? मैसेज को देख के। पर जब मैसेज होगा ही नहीं, जब मैसेज की प्रेजेंस ही नहीं है, तो कैरियर नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 0 से लेके पी तक, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी, 0 से लेके पी तक कैरियर जितनी हाइट पे था AC पे, वो अभी भी उसी पे ही है। ठीक है, AC से लेके -AC के बीच में ही है, मतलब उसने अपने आप को वैसे का वैसा ही रखा है। कहाँ से लेके कहाँ तक? अगर मैं बात करूँ, ये रहा 0 और मेरा P ये रहा। ठीक है, ये वाला पॉइंट P, तो 0 से लेके P तक
मेरा कैरियर एज इट इज़ है जैसे ऊपर था। उसने अपने आप में कोई बदलाव नहीं करा। वो बदलाव कब करेगा? जैसे ही मेरा मैसेज सिग्नल आ जाएगा। तो मैसेज सिग्नल कहाँ से मिलना शुरू हुआ? पी से। तो जैसे ही मेरा मैसेज सिग्नल पी से शुरू हुआ, तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो कैरियर है, इसने एम्पलीट्यूड में अपना बदलाव करना शुरू कर दिया। कैसे करा? इसका एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा। जो इसका एम्पलीट्यूड पहले कम था, अब वो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ने लग गया है। ठीक है, अब इसका जो प्लस एसी से माइनस एसी की जो रेंज थी वो काफ़ी बढ़ गई अब। तो जैसे जैसे मैसेज की पॉजिटिव पीक आएगी, ये अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ाता जाएगा, और जैसे जैसे वो अपने नेगेटिव पीक के तरफ जाएगा, तो ये कैरियर उसी के अकॉर्डिंग अपने एम्पलीट्यूड को कम कर लेगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक पी तक, जीरो से लेके पी तक इसने अपने एम्पलीट्यूड को सेम रखा जैसे पहले था, पर जैसे ही पी आया, पी के बाद से जैसे ही मैसेज आ गया, मैसेज आने के बाद इसने अपने एम्पलीट्यूड को क्या करा? बड़ा कर लिया, क्योंकि इसमें मैसेज की कौन सी पीक आ रही है? पॉजिटिव पीक आ रही है, तो इसने अपने एम्पलीट्यूड को बड़ा कर लिया। और जैसे ही क्यू के बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगा, जो आपका मैसेज है उसका एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ जाने लगा आर तक। अब आर में क्या है? इसका एम्पलीट्यूड सबसे कम हो गया है। ठीक है, जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड सबसे कम हो गया, तो उसको बताने के लिए कैरियर क्या करेगा? कैरियर अपने एम्पलीट्यूड को भी कम कर लेगा। तो कैरियर ने आर पॉइंट पे अपने एम्पलीट्यूड, पहले इतना था, ये नॉर्मल था, फिर इसने बड़ा करा, फिर जैसे ही मैसेज की नीचे वाली पीक आई, इसने अपने एम्पलीट्यूड को कम कर लिया। और यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड होगा कैरियर का, वो सबसे मिनिमम पे होगा। कहाँ पे? आर पे। और कैरियर का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? क्यू पॉइंट पे, क्योंकि मैसेज की पीक वहीं पे आ रही है, पॉजिटिव पीक, सबसे हाईएस्ट पीक वही आ रही है। और सबसे लोएस्ट पीक जो मैसेज की आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? आर पे। तो कैरियर वहाँ पे क्या करेगा? अपने एम्पलीट्यूड को सबसे कम कर लेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अंदर जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया है ये कैरियर ही है। ठीक है, ये मेरा कैरियर है। और जो बाहर मैंने डॉट डॉट लाइन से जो मैंने आपको बनाया है, ये एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, ये मैंने सिर्फ डॉट डॉट क्या करा है, जो कैरियर की पीक्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया है। मैं इनकी पीक्स को अगर ज्वाइन कर दूंगा तो ये डॉट डॉट करके ऐसे बना सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे, तो इसी में, इसी सिग्नल में आपको दिख जाएगा आपका मैसेज सिग्नल भी है। ये मेरा अंदर जो है वो कैरियर है। अब ध्यान से देखिए, इधर ये जो डॉट डॉट मैंने बनाया है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा मैसेज सिग्नल ही तो है। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो जा रहा है डॉट डॉट करके आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा मैसेज सिग्नल ही है। ये रहा मैसेज सिग्नल, यही था मेरा। ठीक है, तो इस कैरियर में जो बदलाव आए, तो उसकी वजह से सिग्नल क्या बन गया? मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्योंकि पहले तो कैरियर था पर उसने अपने आप में चेंजेस कर दिए। किसको देख के? मैसेज को देख के। तो वो चेंजेस जब हुए तो सिग्नल हमारा कैसा दिख रहा है? ऐसा। तो उसका नाम क्या हो गया? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, इसका जो पीक है, हाईएस्ट पीक, वो अब एसी नहीं रहा, क्योंकि इस सिग्नल में अगर हाईएस्ट पीक देखेंगे तो वो काफ़ी ऊपर पहुँच गया है क्यू तक। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए मैक्स, ठीक है, ये हो गया ए मैक्स। एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका? मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। अब ध्यान से देखेंगे, आपका सिग्नल कुछ इस तरीके से है, आपका बीच में कैरियर है और वो ऐसे ऐसे करके, मतलब आपके जो हाथ है वो अगर मैं इसको यूं करूं, फिर यूं करके यूं फैला लूं, फिर वापस पास आएंगे, मतलब ऐसे सिग्नल जा रहा है, समथिंग लाइक ऐसे। बीच में से आपका कैरियर है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बार बार पहले तो सेम रहेगा, फिर बदलेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। ये सिग्नल आगे भी बना सकते हैं, ये वापस से जाके ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी मैसेज यहीं तक पे ख़त्म कर दिया, पर अगर मैं मैसेज सिग्नल को और आगे बढ़ाऊं तो आपके सिग्नल भी यहाँ से आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वो तो मैंने शॉर्ट के लिए आपको इतना सा ही बताया, वरना सिग्नल आगे भी बनेगा तो सेम जैसा भी यहाँ पे दिख रहा है, सेम आगे जाके भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया है। तो आपने देख लिया कि इसमें चेंजेस कैसे आते हैं कैरियर को, कैरियर में जो चेंजेस आते हैं वो मैसेज को देख के आते हैं। अब इसमें दो एनवलप, इसे कहते हैं एनवलप, ये जो आपके जो मैंने ये बाहर बनाया डॉट डॉट करके, ये मेरा एनवलप है। इस एनवलप के अंदर मेरा कैरियर है। नॉर्मली आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो लेटर होता है, जैसे हम लेटर भेजते हैं किसी को, तो एनवलप के अंदर हमारा क्या होता है? लेटर होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, जो हम किसी अपने डियर वन को या किसी भी जान पहचान को भेजते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन लेटर में लिखी होती है। एनवलप में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ उसमें एड्रेस होता है। ठीक है, तो मेन इन्फॉर्मेशन किस में होती है? लेटर में। एनवलप में कुछ नहीं होता, पर ये जो एनवलप दिख रहा है आपको, ये इसी एनवलप में, एक्चुअली इसमें उल्टा है, रिवर्स, कि अंदर हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अंदर तो हमारा कैरियर है, इस एनवलप में ही हमारा मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो थोड़ा उल्टा है। जो लेटर वाला कंसेप्ट है उसमें क्या होता है? एनवलप के अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन होती है लेटर में, पर यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो एनवलप में ही मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर नहीं। उसके अंदर तो मेरा कैरियर है, तो अगर मैं इस एनवलप की बात करूँ तो इसमें ही मेरा मैसेज है, इसके अंदर मेरा क्या है? कैरियर है। इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है,
इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके पीक एम्पलीट्यूड्स पे मेरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही मैं इसके पीक एम्पलीट्यूड्स को जोड़ूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा मैसेज। तो ये जो ऊपर वाली पीक है, मतलब सॉरी जो ऊपर वाला एनवलप आपका, इसे कहते हैं पॉजिटिव एनवलप, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एनवलप। और जो आपका नीचे वाला जो एनवलप दिख रहा है, जो दूसरा जो लिफाफे के नीचे वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नेगेटिव एनवलप है। ठीक है, तो आपका जो मैसेज है अगर मैं देखूँ तो वो इसी में दिख रहा है। जो लोवेस्ट पीक है, जहाँ पे ये सबसे कम हो जाता है, जो आपका कैरियर की हाइट सबसे ग्राउंड लेवल के ऊपर जहाँ पे इसकी सबसे कम हाइट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ए मिनिमम। ए मिनिमम ये हमारा हो जाता है ए मिनिमम, ये हमारा हो जाता है सबसे ऊपर वाला जो है वो है ए मैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो केसेस है ना, कई सारे बन सकते हैं। कई सारे केसेस कैसे बन सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो ए एम है और ये जो ए सी है, हमने जो केस कंसिडर किया है, हमने ये कंसिडर किया है कि जो ए एम है वो लेस देन ए सी है। ये केस हम कंसिडर करके ये पूरा हमने ग्राफ बनाया है। अब इसमें दो केस और आ सकते हैं कि जब ए एम ए सी के बराबर हो जाए या फिर जब ए एम ए सी से बड़ा हो जाए। तो अभी जो हमने केस लिया वो लिया है ए एम लेस देन ए सी, मतलब ये जो ए एम हाइट है मैसेज की वो ए सी से कम है। ठीक है, तो ये वो वाला केस है, तब आपका जो सिग्नल दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा। पर बाकी दो केसेस के लिए सिग्नल कैसे दिखेगा वो भी हम देखेंगे, पर सबसे पहले आपको बेसिक समझना था किस तरीके से चेंज होता है। तो अगर मैं अभी बात करूं, ये जो ए मैक्स है, ए मैक्स जो यहाँ पे क्यू पॉइंट है, तो इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से कितनी होने वाली है अगर हम ध्यान से देखें तो वो हो जाएगी ए सी तो है ही, प्लस उसने आपने आपको कितना और जोड़ा है, ए एम और जोड़ा है, तभी तो यहाँ पे इतना। अगर मैं यहाँ तक ए सी है मेरा इतना ही, ये जो लाइन देख रहे हैं आप ये ए सी है, ए सी में अगर मैं ए एम और जोड़ दूंगा तो मैं क्यू पे पहुँच जाऊँगा। ये जो पॉइंट है मेरा ए मैक्स, ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये है मेरा ए सी प्लस ए एम के बराबर। ए सी तो था ही, पर जैसे ही ये बीच वाली पॉइंट पे मैं पहुंचा क्यू पे, तो इसने अपने एम्पलीट्यूड को उतना ही और बढ़ा दिया जितना कि ए एम था। तो ये पॉइंट कितना बन जाएगा मेरा, ए सी प्लस ए एम। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये ए सी से तो नीचे ही है ये वाला पॉइंट, आर वाला पॉइंट, क्योंकि ए सी तो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो ए सी से अगर ये नीचे कितना नीचे गया है, ये गया है ए सी माइनस ए एम, ये ए सी माइनस ए एम पर पहुँच गया। मतलब अगर मान लेते हैं ए सी, अगर मान लेते हैं मैंने मान लिया 10 है और ए एम मैंने मान लिया 5 है, तो ये जो क्यू पॉइंट है यहाँ पे ए मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, मतलब 10 प्लस 5, क्योंकि यहाँ तक पहुँच गया इस पॉइंट को, अगर इसका पीक पॉइंट देखे तो। ठीक है, फिर वैसे ही जब ये नीचे आ रहा है आर पॉइंट, तो आर पॉइंट पे ए मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए सी में से ए एम को माइनस कर दो कितना आएगा, 5। तो मतलब ओरिजिनल ये किस पे था, 10 पे था, खुद ये 10 पे था, पर 10 के बाद इसमें 5 और जुड़ गया, 15, और 10 में से 5 माइनस भी हो गया और कितने पे आ गया, 5 पे। तो ये आपका बन गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो बीच में जो आपको दिख रहा है ब्लू लाइन से, ये कैरियर ही है, पर इसके जो पीक्स हैं अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो मुझे इसमें क्या दिख जाएगा, मैसेज दिख जाएगा अपना। तो मैंने आपको बताया लेटर वाले कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है, लेटर में एनवलप के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, पर इसमें एनवलप के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें एनवलप में ही इन्फॉर्मेशन है। एनवलप के अंदर तो कैरियर है, और कैरियर हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है, कैरियर तो सिर्फ एक ज़रिया है मैसेज को दूर तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा मैसेज सिग्नल था ओरिजिनल, ये मेरा कैरियर सिग्नल था, ये मेरा जो एंड में बना वो मेरा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये जो ऊपर वाला एनवलप है इसे बोलते हैं पॉजिटिव एनवलप, जो नीचे वाला एनवलप है ये मेरा है नेगेटिव एनवलप। ठीक है, ये एक तरह से इसकी सिमेट्री में एक मिरर इमेज है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, वाटर इमेज, मिरर इमेज कह लीजिए। तो ये इस तरीके से इसकी इमेज है नीचे वाली, तो ये नेगेटिव एनवलप है। तो आई होप सो आपको इतना सब समझ आया हो। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक प्रैक्टिकली सीआरओ पे इसका जो वेवफॉर्म होता है वो कैसे दिखता है, क्योंकि ये तो मैंने बना दिया है, और वो एक्चुअली में ऐसा आता भी है कि नहीं आता है वो हम सीआरओ पे ज़रूर देखेंगे। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको सीआरओ में ये पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरीके से वेव मैसेज सिग्नल कैसा दिखता है, कैरियर कैसा दिखता है, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल सही में ऐसा दिखता है कि नहीं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।